हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जावा रन टाइम क्लासेस के बारे में। जावा में रन टाइम हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं यूजर्स से, तो उसके लिए हमारे पास दो क्लासेस हैं जिसके थ्रू हम लोग जावा में इनपुट ले सकते हैं यूजर्स से। जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम है बफर रीडर, और पहले इस क्लास के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रोग्राम वगैरह बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे स्कैनर क्लास में, जो कि स्कैनर क्लास भी एक है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा में रन टाइम में इनपुट ले सकते हैं। अब ये ब्लू जे क्या है, ये थर्ड ऑप्शन, तो ये थर्ड ऑप्शन ब्लू जे एक एप्लीकेशन है जिसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, रन टाइम में इनपुट ले सकते हैं यूजर से। ये ICIC बोर्ड में है, क्लास 9, 10, 11, 12 में, तो सोचा मैंने कि इसको भी ले लेता हूँ। तो ये हमारा कोर्स के बारे में है। अगर हम जावा के बारे में, जावा बफर क्लास रीडर के बारे में पढ़ना अगर चाहें, तो बेसिकली जावा का जो बफर रीडर क्या है वो एक क्लास है। तो उस क्लास में एक मेथड होता है जो रीड लाइन का मेथड है, जिससे हम लोग कोई भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं या इनपुट ले सकते हैं। तो ये बहुत फास्टली होता है कंपेयर एज अदर क्लासेस, बहुत फास्टली होता है, और ये चेक एक्सेप्शन में आता है। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो भी करना पड़ेगा, बाईपास या फिर ट्राई कैच से हम लोग हैंडल भी कर लेंगे, ठीक है। अगर इसका हम प्रोग्राम देखें तो कुछ प्रोग्राम इस तरह से दिखेगा, जो कि अभी हम बनाने जा रहा हूँ इक्लिप्स में। तो चलिए अपना IDE ओपन कर लेते हैं। इक्लिप्स IDE में जाके डबल क्लिक करके IDE ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा IDE ओपन हो चुका है। बेसिकली कुछ ऐसा हमारा IDE दिखेगा। अगर शुरू में हम एक कुछ ने ये क्लास हम लोग क्रिएट किया, जिसका क्लास का नाम इनपुट है, और उसमें एक मेन फंक्शन हम लोग इंसर्ट कर दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनपुट स्ट्रीम का एक क्लास बनाना पड़ता है। तो इनपुट इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक क्लास बना लिए, जिसका नाम हम दे देते हैं इन दे दिए। इसमें हमको क्लास बनाने के लिए पता है क्या कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड का, उसके बाद फिर इनपुट स्ट्रीम यूज ही करेंगे फिर से। तो फिर से इनपुट, और इसके अंदर अभी हम लोग एक ये आर्ग्यूमेंट लेता है जिसके कंस्ट्रक्टर है। ये एक कंस्ट्रक्टर के, ये जब भी हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और उस कॉल होने के दौरान यहाँ पे इसके अंदर जो है एक आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहले ये कौन सा पैकेज में है, तो java.io में पैकेज में है इनपुट आउटपुट, java.io इनपुट स्ट्रीम, तो इस पैकेज में है। तो इस पैकेज को सबसे पहले इनपुट कर लेते हैं। अभी एरर दे रहा है इसलिए क्योंकि ये क्लास जो है वो ये क्लास जो है ये कंस्ट्रक्टर बाईपास लेता है। तो उस कंस्ट्रक्टर हम एक बार पहले दिखा देता हूँ कहाँ कंस्ट्रक्टर है वो। तो अगर हम इनपुट स्ट्रीम देखें यहाँ पे, तो ये दिख रहा है, ये क्या इनपुट स्ट्रीम नाम का क्लास है जिसके अंदर ही ये ले रहा है मेथड। तो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ले रहा है, सुपर कीवर्ड वगैरह यूज किया है, तो ये है। तो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग किससे लेना है, तो सिस्टम से हम लोग को लेना है ये, तो system.in, बस इससे हमारा क्या हो गया, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन गया, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है IN। और इस ऑब्जेक्ट को हम किस में रैप करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम रैप करेंगे बफर क्लास रीडर में। तो बफर क्लास रीडर में रैप करते हैं बफर रीडर, जिसका ऑब्जेक्ट का नाम हम BR रखेंगे, और इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ये हमारा बफर रीडर का ऑब्जेक्ट अब बन चुका है। अब इसमें जो एरर दे रहा है ये, तो ये एरर जो इसमें है वो है पैकेज फाउंड नहीं कर पा रहा है, बफर रीडर कहाँ है। तो इसे हम का भी ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर जब ये बफर रीडर का जब ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, तो यहाँ पे भी ये क्या ले रहा होगा, इनपुट स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर में ले रहा होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम को फाइंड आउट किए हैं। तो इनपुट स्ट्रीम हम अगर देखें, इसमें रीडर है जो रीडर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है एक, हाँ रीडर क्लास जो कि पैरेंट क्लास है, किसका रीडर क्लास पैरेंट क्लास है इस बफर रीडर क्लास का भी, और पैरेंट क्लास है इनपुट स्ट्रीम का भी।
तो इसमें रीडर का पास करते हैं या इसका चिल्ड्रन का पास करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट्स बन चुका है, बस इतना ही चाहिए हमें। अब हमें क्या चाहिए, बी आर डॉट नेक्स्ट या रीड लाइन लाइन, ये है। इसमें जो है कि हमारा इनपुट हम कर सकते हैं, ये जो है बेसिकली वो एक्सेप्शन चेक एक्सेप्शन में आता है, बफर रीडर जो आता है वो चेक एक्सेप्शन में आता है। तो इसके लिए या तो हमको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा या तो फिर एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन को हम बेटर होगा कि हैंडल ना करें, अभी थ्रो ही कर देते हैं। तो एक्सेप्शन को थ्रो कर दिए यहाँ पे, आई जब भी इनपुट आउटपुट पे कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो डायरेक्टली थ्रो करके हमें एरर दे देगा। तो हम यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, सिफ आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे इंटर। हम इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो यहाँ पे एक इनपुट यूजर से लेने के लिए आ गया, आई एम स्टूडेंट। अगर इनपुट करते तो अभी कोई आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि प्रिंट हम लोग नहीं किए हैं। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सिस आउट, अब अगर हम प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं किसको, किसी वेरिएबल्स में रख लेते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। तो इस वेरिएबल का मीन्स हम नेम वेरिएबल का नाम ले लिए। अब हम यहाँ पे नेम प्रिंट करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं क्या इनपुट आएगा। ये सेम आया जो हम इनपुट लिए वही आया। अब मुझे इसमें एक परेशानी ये है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का ही ले सकते हैं। तो अब हमें अगर इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, फ्लोट चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको रैपर क्लास का यूज करना पड़ेगा और टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें चाहिए इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, बस ये हम पार्स कर सकते हैं हम लोग, या तो यहीं पे डायरेक्ट बाईपास कर दें या इसको हम लोग वेरिएबल में बाइंड कर लें, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिस आउट कर लेते हैं और इसमें हम दे देते हैं इंटर फर्स्ट, तो ये स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये और इंटर फर्स्ट नंबर में ये। तो हमें इसे प्रिंट मैंने नहीं किया हूँ इस वजह से, तो ये प्रिंट करने वाला सब यहाँ पे लिख देता हूँ। इस जगह पे हम लोग सारा कुछ क्या करें, जो वेरिएबल्स ले रहे हैं उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंट ए को प्रिंट कर लेंगे। तो अब जो हमें प्रोग्राम में दिखेगा वो हमें स्ट्रिंग भी दिख रहा है ये, और इसमें हम वेरिएबल ले रहे हैं ये दोनों दिख रहा है प्रिंट आउट होके। तो बेसिक सा ऑपरेशन हम लोग सीख चुके हैं। अगर अब हमको चाहिए फ्लोट टाइप, ये हम क्या यहाँ पे ले लिए इंटीजर, यहाँ पे मैंने ले लिया इंटीजर टाइप। और अगर हम अब फ्लोट चाहिए तो फ्लोट भी ले सकते हैं, उसके लिए भी हमें फ्लोट रैपर क्लास का यूज करना होगा। ये मैसेज दे देंगे इंटर फ्लोट वेरिएबल और इसमें हम ये फ्लोट एफ इक्वल टू एफ एल ओ ए टी फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट नाम का एक आ जाएगा। नेम को हमको नहीं करना, यहाँ पे नया इनपुट लेना है बी आर डॉट नेक्स्ट लाइन, दैट्स इट। अब फिर इस वेरिएबल को हमको प्रिंट भी करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस आउट। अब हम देखें तो हमारे पास तीन वेरिएबल बन चुका है, जिसका नाम एक है स्ट्रिंग और दूसरे वाले का नाम है वैल्यू और तीसरे वाले का नाम है फ्लोट। अब हम इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं रन ऑफ करवा के। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन किए हैं तो इसमें हम अगर स्ट्रिंग की जगह कुछ भी डाल दें तो नो एक्सेप्शन नहीं आएगा, और अगर हम इंटीजर की जगह पे फ्लोट डाल देंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। इसी को एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यहाँ पे ये चेक एक्सेप्शन में इसीलिए आता है, इसीलिए हमको यहाँ पे एक्सेप्शन में थ्रो करवा रहे हैं ये।
ताकि कोई एक्सेप्शन आ जाए, पार्सिंट या वो कोई भी दूसरा वैल्यू डाल दे, तो वो उस एक्सेप्शन को रीड कर पाए और उसे थ्रो कर पाए इस वजह से।